रही थी यी तोंग के भूतों की कहानी सुनाने की वजह से, और खुद को वो कैसे भी करके दिलासा देने की कोशिश कर रही थी कि यहाँ कोई भूत वूत नहीं है। लेकिन यी तोंग तो खर्राटे मारकर सो रही थी। चन चन सोने के लिए शीप काउंट करने लगती है, बट उसे रियलाइज होता है कि यी तोंग खर्राटे नहीं ले रही। अगले ही पल चैन चैन एक हाथ दिखाती है और उसके बाद वो एक भूत सी लड़की को देखकर जोर से चिल्लाती है। और अब सुबह हो जाती है और हमें चैन चैन अभी भी बेचैन दिखती है, और उसे पता चलता है कि वो पीरियड में है, और उसे अपने बॉयफ्रेंड का अंडरगारमेंट मिलता है जिसे वो छुपाने लगती है। और फिर वो गावलिन के घर आकर उसे उठाकर उसकी गारमेंट देने लगती है, जिसे देखकर गावलिन बोलता है ये उसका हो ही नहीं सकता क्योंकि वो इतना लूज गारमेंट नहीं पहनता, ये सब तो बच्चे ही पहनते हैं। चैन चैन सोचने लगती है कि घर में आदमी को कौन लाया होगा। और फिर उसका बॉयफ्रेंड उसके करीब जाने लगता है, जिस पर चैन चैन बताती है कि वो अपने पीरियड में है, जो सुनकर गावलिन बोलता है तो फिर आई ही क्यों, जिस बात को वो बदलते हुए बोलता है ऐसा नहीं है। इस तरफ चैन चैन अपने अपार्टमेंट के बाहर एक लड़के को देखती है जो उसके अपार्टमेंट को घूर रहा था, बट उसके देखते ही वो वहाँ से चला जाता है। और चैन चैन को इस बात पर अजीब लगता है, बट वो इस बात को अपने दिमाग में नहीं लेती। इधर श्याओ चुन का ध्यान शूरेक पे था, तभी वहाँ चैन चैन आ जाती है। श्याओ चुन से बताती है शैंग अपने काम पे गई है निजी एक्सरसाइज करने, और यू तोंग अपने फ्रैटर्निटी में गई है। चैन चैन बोलती है कि फिर से गई है, और हमें यी तोंग अपने दो दोस्त के साथ एक डेट पे दिखती है, जहां वो लड़कों को बोल रही थी उसे अपने बॉयफ्रेंड में हैंडसम वाला गुण तो चाहिए ही चाहिए। चैन चैन श्याओ चुन को बोल रही थी यी तोंग 22 साल की है बट आज तक रिलेशन में नहीं आई, और उसे नहीं लगता कि रिलेशन के बिना इस दुनिया में कुछ भी इंजॉय भरा है, सब बोरिंग होता है, लोग बिल्कुल रोबोट जैसे हो जाते हैं। और वो उस गारमेंट को दिखाकर बोलती है कोई हमारे यहाँ लड़के लाता है। श्याओ चुन बोलती है ये तुम्हारे बैग में क्यों पड़ा है। चैन चैन बोलती है वो तो बस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, और वो अपने रूल बोर्ड को दिखाते हुए बोलती है कोई है जो हमारे रूल को तोड़ रहा है। चैन चैन बोलती है कि ये नी है क्योंकि उसके अभी दो बॉयफ्रेंड है, और इसी बीच 419 का नाम लिया जाता है। श्याओ चुन पूछती है कि ये क्या है। चैन चैन बताती है ये वन नाइट स्टैंड के लिए एक कैब होती है, जो सुनकर श्याओ चुन को अजीब लग गया था। बट चैन चैन बोलती है नीज इन जरूर ऐसा कर सकती है, और वो एक्सरसाइज करने नहीं बल्कि लड़कों को ताड़ने जाती है। और फिर वो जबरदस्ती श्याओ चुन को नीज इनके रूम के बाहर लेकर जाती है, और दोनों उसके रूम के बाहर कान लगाकर सुनने लगते हैं। वहाँ नीजिन भी आ जाती है और वो भी सुनने लगती है। चैन चैन उसको देखते ही पूछती है कि उसके रूम में कौन आदमी है, और अंदर आते ही हम देखते हैं नीजिन के रूम में एक फिल्म चल रही थी। उस गारमेंट को देख नीजिन बोलती है कि वो उसका नहीं है। चैन चैन बोलती है इसका नहीं है तो फिर किसका है। सैंग का तो हो ही नहीं सकता क्योंकि उसके पास ना तो वक्त है और ना ही एनर्जी, और उसे इस सब में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। वो मेकअप भी नहीं करती और ना ही बाल को समेटती है, बस पूरे साल बिना रंगीन कपड़े पहनती है। गाइज, आप सभी से बोलना चाहती हूँ कि वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें कि जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। और इधर शैंग काम पर भाग कर आती है, जहाँ हैंग उसके लिए कॉफी लेकर बैठा हुआ था, जिसको पीते ही शैंग हमें थोड़ी सी रिलैक्स दिखती है। जहाँ हैंग और शैंग बड़े कड़ेती मेहनत से काम कर रहे थे, वेटर लू आकर हैंग से बातें कर रही थी, तो हैंग की नजर शैंग पे जाती है कि शैंग के पेट में दर्द हो रहा था। हैंग को शैंग की दवा मिलती है जो कि शैंग ने ऑर्डर की थी। शैंग के वहाँ आते ही हैंग बोलता है कैमरा रिपेयर हो चुका है और अब वो उसके ऊपर अपनी आंखें रख सकता है। शैंग बोलती है थैंक्स, बस की कोई जरूरत नहीं है। हैंग शैंग को काम करता हुआ देख खुश था। चैन चैन श्याओ चुन को बोलती है कि तुम्हें ऐसा लगता है जिसके पास खुद का सोने का ठिकाना नहीं हो वो किसी आदमी के साथ सोएगी। चैन चैन बोलती है उसे लगता है ये यी तोंग है क्योंकि वो डेट पर जाती रहती है। हम यहाँ यी तोंग को देखते हैं जो ऐसे कर रही थी, लगता है यहाँ वो अक्सर आती रहती है। इधर श्याओ चुन सूप बना रही थी जो कि चैन चैन को बड़ा टेस्टी लग रहा था, लेकिन चैन चैन बोलती है कि वो नहीं खा सकती क्योंकि वो डाइटिंग प्लान में है। यी तोंग से डेट वाला लड़का जान छुड़ाकर भागता है, और यहाँ चैन चैन ने सारा खाना खुद ही खत्म कर दिया था, जिससे हमें श्याओ चुन कुछ खास खुश नहीं दिखती। यी तोंग घर आती है बट चैन चैन को उसके बिहेवियर से पता चलता है वो एक बार फिर से लड़कों के मामले में फेल हो चुकी है। श्याओ चुन बोलती है पर यी तोंग तो प्रिटी है। चैन चैन बोलती है प्रिटी होने से कुछ नहीं होता, अट्रैक्टिव होने के लिए 3 गुण होना जरूरी है, जो उसमें है तो नहीं। और चैन चैन श्याओ चुन को उस वाक्य के बारे में बताने लगती है जब यी तोंग अपने
अपने दोस्त हेलेन से मिली, जो बिहेवियर देख चैन चैन शॉक थी, क्योंकि उसे इसके बाद ऐसा लग रहा था कि हेलेन लड़का नहीं और ये तोंग लड़की नहीं। लेकिन श्याओचुन की ये सब बात भेजे में घुसती नहीं और चैन चैन उसके साथ अडल गेम खेलने की कोशिश करने लगती है, जो कि श्याओचुन को यूं सा लग रहा था। श्याओचुन चैन चैन से पूछती है सब उस पर हंसते क्यों है, तो चैन चैन बोलती है कि और कौन नहीं हंसता है। और फिर हम यांग यू और श्याओचुन को साथ खाते हुए देखते हैं, जहाँ यांग यू के पैंट में चने गिर जाते हैं, जिस वजह से श्याओचुन उसे घूरने लगती है और इससे यांग यू अनकंफर्टेबल हो जाता है। ये सब बातें बताकर श्याओचुन बोलती है वो इसलिए कॉलेज नहीं जाना चाहती, बट वो बताती है वहाँ अच्छे लोग भी है। एंड देन हम देखते हैं लाइब्रेरी में श्याओचुन की नज़र गू किंग में थी, बट यांग यू उसके सामने आ जाता है, जिसकी वजह से वो भागने लगती है। चैन चैन श्याओचुन को अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है। श्याओचुन बोलती है कहीं वो उसका ही पैंट तो नहीं था, लेकिन चैन चैन बोलती है वो बस ब्रीफ पहनता है। श्याओचुन बोलती है तुम इतनी कन्फर्म कैसे हो, बट चैन चैन यी तोंग से बात करके बात को घुमा देती है और श्याओचुन की नज़र शू रैक पे जाती है। यी तोंग आकर भूतिया किस्सा बताकर बोलती है झूठ सिर्फ और सिर्फ नीजिन ही बोल सकती है, जिसकी बातों पर श्याओचुन तो घुस गई थी। चैन चैन श्याओचुन को ये सब नॉनसेंस बातें पर ध्यान देने को मना करती है और फिर चैन चैन नीजिन को घर के बाहर अपने बॉयफ्रेंड के साथ देखती है और ये सब देखने के लिए वो यी तोंग और श्याओचुन को भी बुलाती है। घर आते ही ये सारे बड़े क्यूरियस हो जाते हैं उसके बॉयफ्रेंड के बारे में जानने के लिए, बट इन्हें पता चलता है वो आदमी 39 साल का है और वो बंदा शादीशुदा है और उसका एक बेटा भी है। ये सारे इस बात से थोड़ा शॉक थे। श्याओचुन की नज़र फिर उसी रैक पे जाती है। नीजिन को किसी का कॉल आता है बट वो आंसर नहीं करती और उसे मैसेज आता है कि उसे उससे बात करना है। नेक्स्ट मॉर्निंग सब अपने डिपार्टमेंट में बिजी थे, बट नीजिन मोहतरमा एक नेकलेस देख रही थी। घर आते ही चैन चैन हमें फ्यूचर के लिए थोड़ी सीरियस दिखती है और वो श्याओचुन को बताती है नीजिन का कितना सही है यार, वो ग्रेजुएशन के बाद अपने डैड के कंपनी में काम करेगी। हमें पता चलता है नीजिन के पिता चावल के फैक्ट्री के ओनर है। यी तोंग बोलती है अपने आप को नीजिन से नहीं शैंग से कंपेयर करके देखो, कितनी हार्ड है उसकी लाइफ। शैंग काम से घर आ रही थी कि उसे वही आदमी दिखता है जो चैन चैन को सुबह में दिखा था। देखने से तो ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ नजर रखे हुए है। वो नीजिन को मैसेज करता है कि उसे उसका सच पता चल गया है। नेक्स्ट डे चैन चैन सच धज कर गाओलिन से मिलने जाती है, तभी दादी यूके से लाई गई फोटो लाकर उसे देती है, जो चैन चैन नहीं देखती और उसे एक बॉक्स में रख कर चली जाती है। एंड देन वो कॉफी शॉप पहुँचती है, बट गाओलिन वहाँ अभी तक नहीं आया था। और फिर चैन चैन वहाँ आधे घंटे तक वेट करती है तो वहाँ गाओलिन आता है। गाओलिन चैन चैन से अपना गिफ्ट ले लेता है जो कि काफी एक्सपेंसिव था, बट उसे बोलता है कि वो गिफ्ट लाना भूल गया। एंड देन वो अपने घर जाकर उसे एक परफ्यूम देता है और वो परफ्यूम काफी ज्यादा सस्ता लग रहा था। घर आते वक्त चैन चैन उसी आदमी को फूल लिए देखती है और घर आते ही हमें वो बड़ी उदास दिखती है, क्योंकि यी तोंग ने भी उसे यही परफ्यूम दिया था। वो आदमी नीजिन को प्रपोज करता है, जो देखकर चैन चैन और यी तोंग निराश हो जाते हैं। नीजिन उस आदमी को साफ बोलती है अगली बार से वो ये सब बोलने की भी हिम्मत ना करे। यी तोंग चैन चैन से पूछती है उसे गिफ्ट में क्या मिला। एंड देन वो बताती है कि वो ट्रिप में जा रही है 2 दिन के लिए, जिससे यी तोंग उसे मजाक करने लगती है, बट चैन चैन गुस्सा करने लगती है। और रात में चैन चैन और यी तोंग दोनों टेक्स्ट कर रहे थे और दोनों में सुलह हो जाती है। नेक्स्ट डे चैन चैन घर से जाने लगती है। यी तोंग उसे 20 रुपए देती है, बट चैन चैन उसे फेंक देती है और हमारी चैन चैन हमें सूटकेस के साथ सिनेमा में देखती है। नीजिन अपने बॉयफ्रेंड इरिक के साथ थी। इरिक उसे एक एग्जीबिशन में लाता है, जहां वो बार बार नीजिन को नीचा दिखा रहा था। वहां का आर्टिस्ट लॉर्डे नीजिन के लिए इरिक से न्यूड मॉडल के लिए पूछता है। इरिक बोलता है हाँ ये आपके लिए ही है। नीजिन वहां ऐसे दिखाती है कि उसे रैशेस है, जिस बात को सुन वो लोग उसे खुद ही भगा देते हैं। इधर नीजिन उदास थी और इधर चैन चैन सोई हुई थी, जहां उसे एक बंदा सेड्यूस करने की कोशिश करता है, बट तभी वो उठ जाती है और फिर वो गाओलिन को कॉल करती है, बट गाओलिन को उसके कॉल से कोई फर्क नहीं पड़ा था। इधर यी तोंग दिमाग में कुछ गंदा ही सोच रही थी, बट श्याओचुन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो उसे घोष्ट के बारे में पूछती है, लेकिन यी तोंग उसको डराने लगती है, ये बोलकर कि नीजिन और शैंग ने भी उससे इसके बारे में पूछा था। इस बात से श्याओचुन और भी सीरियस हो जाती है। नीजिन घर आती है, उसके पास बहुत सी एक्सपेंसिव चीज थी, बट उसका कोई फायदा हमें नहीं दिख रहा था। नीजिन को किसी का कॉल आता है, वो बोलती है कि अगली बार किया तो
तो वो पुलिस को रिपोर्ट कर देगी। नेक्स्ट डे चैन चैन को समझ आ गया था मेकअप बस हमें कवर करता है, रियलिटी तो बस हम होते हैं। और वो घर आती है जहाँ उसे फिर वही आदमी दिखता है, दादी उसकी विदाउट मेकअप में काफी तारीफें करती हैं। और ये तोंग का दिमाग तो कहीं और ही लगा था कि कल रात में कुछ हुआ होगा। और यहाँ हमें पता चलता है शैंग को अंडरगार्मेंट दादी ने ही दी थी। चैन चैन सोने चली जाती है, चैन चैन उठते ही सबको तमाशा दिखाने के लिए बुलाती है जो उस लड़के और निजिन में हो रही थी। वहाँ सब आ जाते हैं, निजिन वहाँ से जा ही रही थी कि वो बंदा पीछे से बोलता है कि वो अमीर लोगों के साथ हो कब क्यों कर रही है, वो तुमसे प्यार नहीं करते, बस पैसों पर तुम्हारी बॉडी बेचना चाहते हैं। वो उसे जबरदस्ती हग कर लेता है और निजिन उसे खुद से हटा रही होती है। ये सब शैंग भी देखती है, तभी वहाँ पुलिस वाले आ जाते हैं। पुलिस स्टेशन में वो बंदा बता रहा था कि वो नी से प्यार करता है और उसे एक अच्छी लाइफ देना चाहता है। और इधर इन सबको समझ नहीं आ रहा था जब नी अमीर है तो उसे ये करने की क्या जरूरत है, जो शैंग सुन रही थी। चैन चैन उसके बारे में बोल ही रही थी कि वहाँ निजिन आ जाती है। चैन चैन बोलती है उसने कहाँ कुछ बुरा बोला, निजिन ही है जिसने हमसे झूठ कहा। ये सब सोचकर चैन चैन बोलती है यी तोंग कहीं सच में तुम देख तो नहीं सकती। और फिर हमें वही शू रैग दिखाई जाती है और हम एक अजीब सा फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें कोई डूब रहा होता है और हम वहाँ पे श्याओचुन को भी देखते हैं और हम उसी फ्लैशबैक में शैंग को भी देखते हैं। और फिर हम देखते हैं चैन चैन अपने बारे में बता रही थी जैसे कि उसका वेट 46 किलो है और वो निजिन से नहीं जलती क्योंकि वो भी तो पतली है और उसका बॉयफ्रेंड उसके लिए कभी कभी अच्छा होता है। और इसी के साथ इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है।